हेलो फ्रेंड्स एक फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है यहाँ पे एल ने पार्ट वन का एग्ज़ाम रूटीन जारी कर दिया गया है और मैं आपको अच्छे से यहाँ पे पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आपको किस तरह से अपना रूटीन चेक करना है तो वीडियो को अंत ज़रूर देखिएगा तो सबसे पहले तो आपको अपना ग्रुप पता कर लेना है कि आपका कौन से ग्रुप में आ रहे हैं तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे राइट साइड में यहाँ पर लिखा हुआ है नेम ऑफ सब्जेक्ट तो आपको यहाँ पे अपना सब्जेक्ट देख लेना जैसे कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट फिजिक्स है तो उसका यहाँ पे ग्रुप सी में आएगा अगर किसी स्टूडेंट का केमिस्ट्री है तो ग्रुप डी में आएगा तो इस तरह से आपको अपना सबसे पहले ग्रुप पता कर लेना ग्रुप के बाद आपको यहाँ पर अपना देखना फर्स्ट सीटिंग में आपका कौन सा एग्ज़ाम है या आपका सेकेंड सीटिंग में आपका एग्ज़ाम पड़ रहा है तो जिस भी सीटिंग में आपका एग्ज़ाम पड़ रहा है उसको देख लेना जैसे कि फर्स्ट सीटिंग में ग्रुप ए ग्रुप सी ग्रुप ई इन तीनों ग्रुप का यहाँ पे फर्स्ट सेटिंग में पड़ रहा और सेकेंड ग्रुप में ग्रुप बी ग्रुप डी ग्रुप एफ़ उसके बाद आपको यहाँ पे डेट देख लेना डेट ऑफ एग्जामिनेशन तो ऑनर्स पेपर यहाँ पे दो होता है आपका पेपर वन और पेपर टू दो सब्सिडरी होगा और आपका एक लैंग्वेज या दो लैंग्वेज हो सकता है अगर सौ नंबर का हिंदी है तो एक होगा अदरवाइज़ दो पेपर आपका लिया जाएगा अगर वो एक ही दिन होगा पेपर लैंग्वेज का उसके बाद सब्सिडरी का यहाँ पे देखेंगे तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन दे रखा है सोलह नवंबर का सोशोलॉजी का सब्सिडरी और जो आपका सब्सिडरी का एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव लिया जाएगा ठीक है उसके बाद सत्रह तारीख को ज्योग्राफी सब्सिडरी का होगा फर्स्ट सिटिंग सेकेंड सेटिंग में केमिस्ट्री सब्सिडरी का इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर दे रखा है और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि तो इन सब में थोड़ा सा डाउट हो जाता है तो यहाँ पे आर हिंदी साइंस और कॉमर्स स्टूडेंट के लिए है और जिनका पचास नंबर का या तो उन्होंने इंग्लिश लिया होगा या तो मेथिली लिया होगा या तो उर्दू लिया होगा तो यहाँ पे नॉन हिंदी जो है कंपलसरी है और पचास नंबर का आप कुछ भी ले सकते हो तो उनका एग्ज़ाम यहाँ पर पच्चीस नवंबर को फर्स्ट स्ट्री में लिया जाएगा वैसे यहाँ पर ये साइंस और कॉमर्स वालों के लिए है आर हिंदी यानी कि सौ नंबर का तो जिन्होंने भी यहाँ पे आरबी हिंदी सौ नंबर का लिया होगा उनका सेकेंड सीटिंग से में होगा साइंस और कॉमर्स स्टूडेंट के लिए ठीक है तो इसमें यहाँ पे ग्रुप नहीं है यहाँ पे साइंस और कॉमर्स के हिसाब से हो रहा है उसके बाद छब्बीस नंबर को देखेंगे तो आरबी नॉन हिंदी यानी कि पचास नंबर का और इसमें ग्रुप आपका मायने रखता है क्योंकि इसमें ग्रुप लिखा हुआ और साइंस और कॉमर्स में यहाँ पर ग्रुप नहीं लिखा हुआ था तो यहाँ पे आप देख सकते ग्रुप ए ग्रुप बी और ग्रुप सी फर्स्ट सिटिंग में होगा और ग्रुप डी ग्रुप ई ग्रुप एफ़ नॉन हिंदी यहाँ पे पचास नंबर हिंदी के साथ आपका इंग्लिश मैथिली उर्दू कुछ भी हो सकता है लेकिन आपका हिंदी तो कंपलसरी है पचास नंबर का हिंदी जरूर होगा उसमें उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आर बी हिंदी यानी कि सौ नंबर का हिंदी होगा आर्ट्स के लिए ग्रुप ए ग्रुप बी ग्रुप सी और यहाँ पे आर बी हिंदी सौ नंबर का हिंदी ग्रुप डी ग्रुप ई ग्रुप एफ़ और मैंने यहाँ पे पार्ट वन का पूरा अच्छे से वी वी आई प्ले लिस्ट बना दिया आप उसको देख सकते हैं उसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने का चांसेस है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं या तो उसका लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा वहाँ से भी जाके देख सकते हैं उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे सेंटर लिस्ट जारी कर दिया गया तो जैसे कि मान लीजिए ये जो कॉलेज है आपके ये अटैच है और ये आपका सेंटर होगा जैसे कि सीएम साइंस कॉलेज कौन कौन से कॉलेज का सेंटर पड़ेगा तो एम आर एम कॉलेज एम के एस कॉलेज और रिमेनिंग अदर कॉलेज ऑफ दरभंगा डिस्ट्रिक्ट ये सभी पेपर कहाँ देने जाएंगे सी एम साइंस कॉलेज दरभंगा में देने जाएंगे तो आपको सबसे पहले अपना यहाँ पर देख लेना नेम ऑफ कॉलेज अटैच में अपना कॉलेज आप खोज लीजिए फिर आपको यहाँ पे नेम ऑफ सेंटर पढ़ लेना अच्छे से जैसे कि मान लीजिए एम एल एस एम में कौन कौन से कॉलेज पेपर देने जाएंगे तो मिल्लत कॉलेज एम एम टी एम कॉलेज का सेंटर कहाँ पड़ेगा एम एल एस एम कॉलेज में परीक्षा देने जाएंगे ठीक है उसी प्रकार से यहाँ पे तीसरे नंबर पे दिया हुआ है एम एल एस एम कॉलेज नागेंद्र झा महिला कॉलेज सब डिविजनल डिग्री कॉलेज बेनीपुर दरभंगा तो ये तीनों कॉलेज कहाँ पेपर देने जाएंगे सी एम कॉलेज दरभंगा में इनका एग्ज़ाम लिया जाएगा उसी प्रकार से आप देख सकते हैं के एस कॉलेज लहरियासराय एम के कॉलेज लहरियासराय ये दो कॉलेज का सेंटर कहाँ पड़ा है मिल्नत कॉलेज लहरिया सराय दरभंगा सेंटर पड़ा तो ये दोनों कॉलेज के छात्र छात्राएं मिल्नत कॉलेज में अपना एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं तो ये दरभंगा डिस्ट्रिक्ट का था उसके बाद ये मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का आप इसका स्क्रीनशॉट इस भी ले सकते हैं अच्छे से समझने के लिए तो मैंने आपको बता दिया आपको किस तरह से देखना है आपको यहाँ पे अपना कॉलेज का अपना यहाँ पे चूज़ कर लेना है उसके बाद आपको अपना यहाँ पे सेंटर चूज़ कर लेना है उसके बाद यहाँ पे समस्तीपुर का आप देख सकते हैं फिर बेगूसराय का है और आपको प्ले लिस्ट अच्छे से ज़रूर देख लेना मैंने सब ऑनर्स का बता दिया है वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड करा दिया गया और प्ले लिस्ट भी आप जाके देख सकते हो वहाँ पर भी पार्ट वन वी वी आई प्ले लिस्ट बना होगा वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को सही में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो